हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं? लीनियर इक्वेशंस का मतलब होता है कि जब हम किसी वेरिएबल को यूज करके इक्वेशंस बनाते हैं तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ऐसे तो लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल भी होता है और लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल भी होता है, पर हम लोग यहाँ पे लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल्स देखेंगे। लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल से क्या मतलब है कि देखिए, जैसे ये वाला एक इक्वेशन है, x प्लस फाइव इज इक्वल टू 26। यहाँ पे एक वेरिएबल है x, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल है। कभी कभार आप देखेंगे कि जैसे x प्लस फाइव प्लस वाई इज इक्वल टू 26, तो इसमें x और y दो अल्फाबेट्स होते हैं, तो ये लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल कहलाएगा। पर आज हम लोग रूल्स फॉर सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल ही देखेंगे। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन कैसे हो सकते हैं, x प्लस फाइव इज इक्वल टू 26, या 46 प्लस x इज इक्वल टू 32, या 3 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 6। इस टाइप के आपके इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल कहलाएंगे। तो सबसे पहला रूल, रूल फॉर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन का सबसे पहला रूल है कि वी कैन एड द सेम नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। अगर किसी इक्वेशन में क्या होता है कि अगर आपको सॉल्व करना हो तो आप दोनों साइड सेम नंबर को एड कर सकते हैं। जैसे हमने एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, x माइनस फाइव इज इक्वल टू 10। x में से 10 5 माइनस किए तो वो 10 के बराबर है, तो यहाँ पे माइनस फाइव जो है x के साथ एक्स्ट्रा टर्म है, तो इसको हटाने के लिए यहाँ पे हम प्लस फाइव क्या कर देंगे, एड कर देंगे। जैसे x प्लस माइनस फाइव, उसमें हम ऐड क्या कर दिए, प्लस फाइव इज इक्वल टू 10, तो आपको इस साइड भी प्लस फाइव ऐड करना पड़ेगा। तो यहां अगर प्लस फाइव ऐड हुआ है तो यहां पे भी प्लस फाइव क्या होगा, ऐड होगा। तो दोनों तरफ अगर ऐड हो जाता है प्लस फाइव, तो यहां देखिए माइनस फाइव और प्लस फाइव ये तो हट गया, तो इधर बच जाएगा आपका x इज इक्वल टू 10 प्लस फाइव इज इक्वल टू 15, तो ये हमारा 15, x इज इक्वल टू 15 आंसर आ गया। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा सेकेंड रूल है कि अगर आपको कोई नंबर को अगर हटाना है तो आप सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं सेम नंबर दोनों साइड में, ठीक है। तो वी कैन सब्सट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। जैसे इस इक्वेशन का एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे क्या है कि मेरे को प्लस टू दिया हुआ है। अब प्लस टू को हम कैसे हटा सकते हैं, माइनस टू लगा के। तो अगर हम इधर माइनस टू लगाएंगे तो हम इधर भी एक तो माइनस टू लगाएंगे और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सॉल्व होने लग जाएगा। तो ये माइनस टू प्लस टू हट गया, वाई इज इक्वल टू 10 आंसर आ गया। तो इस तरह से 10 आंसर आ गया हमारा, तो ये इक्वेशन हमारा सॉल्व हो गया कि y का वैल्यू कितना है, 10 है। अब हमारा थर्ड रूल है कि वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय अ सेम नॉन जीरो नंबर। जीरो के अलावा आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके भी एक्स्ट्रा नंबर को हटा सकते हैं, पर आपको वो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है, देखिए x यहाँ पे बाय थ्री है, मतलब डिवाइडेड बाय थ्री, तो हम मल्टीप्लाई थ्री कर देंगे। यहाँ पे भी सिक्स मल्टीप्लाई थ्री कर देंगे, तो ये थ्री कट गया, एक्स इज इक्वल्स टू 6 3 18 आंसर आ गया। तो हमको देखना है कि नंबर किस में दिया गया। अगर आप x के साथ अगर नंबर प्लस में दिया रहेगा तो हम वहां पे माइनस में नंबर लगाएंगे, अगर x के साथ नंबर माइनस में दिया रहेगा तो हम प्लस में नंबर लगाएंगे, अगर डिवाइड में नंबर होगा तो हम मल्टीप्लाई में नंबर को ऐड करेंगे, और अगर मल्टीप्लाई में होगा तो ये हमारा फोर्थ रूल, डिवाइड वाला रूल आ जाएगा। वी कैन डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में दिया गया है x के साथ, उसको हटाना है तो आप डिवाइड में क्या कर दीजिए, वैसा सेम नंबर से उसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे देखिए, यहाँ पे मेरे पास 2x इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है, तो हम लिखते हैं 2x डिवाइडेड बाय 2, हम इधर भी 12 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो 2 कट जाएगा, और यहाँ पे 2 1 2 2 6 12, देन x इज इक्वल टू 6 आंसर। तो इस तरह से हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, 6, और ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो रूल है वो है आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल, ठीक है। इस रूल में क्या होता है कि अगर सोच लीजिए आपको इक्वल टू के दोनों तरफ जो है नंबर्स फ्रैक्शन में दिए गए हैं, तब हम उनको सॉल्व करने के लिए क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देखिए, ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे बाई सी एक्स प्लस डी,
और इधर दिया हुआ इक्वल टू p बाई क्यू, तो आप ऊपर वाले नंबर को इस नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, q इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और इस ऊपर वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो p इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। तो इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके और फिर उसके बाद हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट तरीका है वो हमारा ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग में क्या होता है, आप सोचिए कि ये ट्रांसपोजिंग क्या है। ट्रांसपोजिंग में आपको क्या होता है कि अगर कोई नंबर इक्वल टू के इस तरफ प्लस में है तो वो इक्वल टू के इस तरफ जब शिफ्ट होगा तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा। जैसे अगर आपके पास x प्लस फाइव है और आपको इस 5 को x प्लस फाइव इज इक्वल टू 6, अगर आपको इसको इधर मूव करना है 5 को, तो आप क्या कर देंगे, इसको x इज इक्वल टू 6 प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 5, तो विच इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई नंबर यहाँ पे माइनस में है तो वो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और सेम वाइस वर्सा इधर भी अगर ये होगा, इधर प्लस में है तो इधर जाके वो क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है x माइनस टू इज इक्वल टू 9, तो इसको ये माइनस में इधर इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 9 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 11 आंसर। तो इस तरह से आप ट्रांसपोजिंग करके भी क्या कर सकते हैं, आंसर्स निकाल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट जो रूल है, देखिए मल्टीप्लाई अगर इधर रहेगा तो वो इस तरफ शिफ्ट होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई नंबर इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कैसे, जैसे कि अगर नंबर है 2x इज इक्वल्स टू 12, देन ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो x इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 और 12 कट गया 6, तो x इज इक्वल्स टू 6 हमारा आंसर आ गया। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है कि अगर इक्वेशन के तरफ अगर कोई चीज इस तरफ डिवाइड में है तो वो अगर इक्वल टू के इधर जाएगी तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे अगर दिया हुआ है x बाई टू इज इक्वल्स टू 14, तो ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 14 इंटू 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 28, तो x का वैल्यू आ गया 28। तो हमको बेसिकली लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, वेरिएबल का वैल्यू ढूंढना पड़ता है। तो आई होप कि आपको ये रूल समझ में आया हो। तो चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है कि 8x इज इक्वल टू 20 प्लस 3x। ओके, तो अब मेरे को उसको सॉल्व करना है। तो अब मेरे को क्या करना है, हम पहले ट्रांसपोजिंग रूल लगाएंगे इस पे। देखिए 8x, ठीक है, यहाँ पे भी 3x है तो हम इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ये इधर प्लस में है तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 3x माइनस 3x इज इक्वल टू 20। एक्स 8x में से 3x माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 20। देन x अब यह तो हो गया आपका, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 5 बाय 20 बाय 5, 5 वन जा 5 फोर जा, तो ये आपका हो गया x इज इक्वल्स टू 4 आंसर। है ना बड़ा इजी। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, 8x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 27 प्लस 2x। ओके, तो देखिए यहाँ पे भी एक x है और यहाँ पे भी x है। हम लोग को हमेशा क्या करना होता है इक्वेशन में कि वेरिएबल को हम एक साइड लेके आते हैं। ठीक है, तो देखिए 8x यहाँ पे ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2x, और जो नंबर्स हैं कंस्टेंट उनको हम एक साइड कर देते हैं। तो ये यहाँ पे 27 तो है ही है, ये यहाँ पे प्लस में है तो हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस 3x, तो 8x माइनस 2x तो ये आपका हो गया 6x, और यहाँ पे 27 माइनस 3 आपका हो गया 24। अब देखिए 6 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाइड में है तो हम इधर भेज देंगे तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड, 6 वन जा 6, 6 फोर जा 24, देन x इज इक्वल्स टू 4 आंसर। देखिए कितना इजी था ना ये भी। अब हमारा नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका यहाँ पे है 7y by 5 is equals to y minus 1। इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला रूल अप्लाई करें क्या, चलिए करके देखते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो by 1, ओके, देन वी क्रॉस मल्टीप्लाइड इट। ओके, तो इधर हो जाएगा आपका 7y into 1 और इधर हो जाएगा आपका 5y minus 4,
सेवन वाई इंटू वन इज इक्वल्स टू सेवन वाई, और वाई माइनस फोर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका वाई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फाइव इंटू वाई फाइव वाई माइनस फाइव इंटू फोर फाइव फोर जा ट्वेंटी हो गया। अब देखिए क्योंकि अभी मैंने आपको भी आगे बताया कि हम लोग वाई वाई जो वेरिएबल्स हैं सबको एक साइड लिख लेंगे, तो सेवन वाई ये यहाँ पे प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो माइनस फाइव वाई इज इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी यहाँ पे रह जाएगा। अब सेवन वाई में से फाइव वाई माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, टू वाई इज इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी हो गया। अब ये यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो ये डिवाइड, तो माइनस ट्वेंटी डिवाइडेड बाय टू, तो दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये टू वन जा टू टेन जा, तो वाई इज इक्वल्स टू माइनस टेन आंसर। ओके गॉट इट। देन आवर नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, देखिए थ्री एक्स प्लस टू बाई थ्री इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस वन। ओके तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही सेम बात की पहले हम लोग वेरिएबल को क्या करेंगे एक साइड लेंगे, तो थ्री एक्स ये यहाँ पे प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस टू एक्स, ये यहाँ प्लस में ये इधर जाएगा। ओके तो थ्री एक्स माइनस टू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, और यहाँ पे आपका वन माइनस टू बाई थ्री, इसको जैसा फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं ना वैसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया आपका थ्री और ये हो गया आपका थ्री वन जा थ्री माइनस टू। ओके देन x इज इक्वल्स टू वन बाई थ्री आंसर हो गया, आपकी x की वैल्यू क्या हो गई आ गई यहाँ पे भी। ओके गॉट इट। नाउ नेक्स्ट, ओके द नेक्स्ट वन इज ये वाला इसका जो आएगा, तो देखिए इसको हम लोग कैसे देखते हैं, ये हो गया आपका देखिए 15 इंटू वाई, ये आपका हो गया 15y माइनस फाइव फोर जा सिक्सटी माइनस टू इंटू वाई टू वाई माइनस माइनस प्लस टू नाइन जा एटीन प्लस फाइव वाई फाइव इंटू प्लस प्लस फाइव इंटू सिक्स टू जीरो। ओके तो अब हम वाई वाई को क्या करेंगे, सबको एक साइड ले लेंगे, तो ये हो गया आपका 15y माइनस टू वाई प्लस फाइव वाई, इधर हो गया माइनस सिक्सटी प्लस एटीन, तो यहाँ पे प्लस थर्टी इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो 15 में से 2 गया आपका बचा 13, 13 प्लस फाइव इज इक्वल्स टू 18, क्या हो गया 18y, और यहाँ पे माइनस सिक्सटी और क्या हो जाएगा आपका प्लस 48 इज इक्वल्स टू जीरो। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कि ये हो गया आपका 18y, और देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, नंबर आपस में माइनस होगा पर जो बड़ा होता है उसका साइन लगता है, तो देखिए 60 ये हो गया आपका 60 माइनस 48 हो जाएगा आपका 12, बड़ा कौन है यहाँ पे 60 है, तो 60 के आगे माइनस साइन है तो ये आपका हो गया माइनस इज इक्वल्स टू 12। अब देखिए ये यहाँ पे माइनस में इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस 12 बन जाएगा आपका 0 प्लस 12। अब तो ये आपका हो गया 18y इज इक्वल्स टू 12, तो y ये 18 मल्टीप्लाई में था, इधर आके आपका डिवाइड में आ जाएगा तो 12/18 12 टू जा 6 टू जा 6 3 जा, तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू 2/3। थैंक यू।